नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पोर्ट ब्लेयर के अबडीन बाजार में हैं और अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी यहां पर एक कैंडल मार्च कर रही है। और साथ ही साथ हमको बता दें, कैंडल मार्च जो है अंडमान गैंगरेप केस के से रिलेटेड है। और हमारे साथ यहां पर जो है इस वक्त मिस्टर रंगलाल हल्दार जी जुड़े हुए हैं, जो कि ANTCC के प्रेसिडेंट है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये कैंडल मार्च जो आप कर रहे हैं, जो अंडमान में ये खौफनाक के गैंगरेप के सामने आया है, जिसमें अभी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 20 से ज़्यादा विक्टिम्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। और कांग्रेस आज ये कैंडल मार्च इस मामले में क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो आज जो ये प्रोग्राम है, ये सिर्फ एंड सिर्फ अंडमान के जो है, आप सभी सोशल मीडिया देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, सारे जगह में जो है आपको देखा, जो हमारा अंडमान निकोबार में जो एडमिनिस्ट्रेटर CS साहब थे, वो CS साहब जो है, जो उनका जो काला कारतूत उन्होंने हमारे अंडमान के जो बहनों के ऊपर में जो किया है, उसके संदर्भ पे जो है आज हमारा कंडक्ट, क्योंकि उस संतप्त परिवार को उनको शांति मिले, क्योंकि जो दुष्कर्म उन्होंने किया है इसको भरपाई हम लोग नहीं कर सकता है, इसलिए इन फ्यूचर में ना हो और ऐसा घिनौना काम कोई ना करे। आज जो पीड़ित हैं उनको आत्मा का शांति के लिए, उनके परिवार को जो है एक शांति मिले, जिसके लिए आज हम लोग एक कैंडल मार्च कर रहा है। तो हम लोग भास्कर सर भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कि कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन है ANTCC के। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है, क्या आपको लगता है ये अंडमान निकोबार में एक डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने के वजह से, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा पावर मिल जाता है, उसकी वजह से हो रहा है? ये ज़रूर, आप तो मेरा बात, आप जो बोलने वाला था आप बोल दिया, कि आज देखिए ब्यूरोक्रेट्स का इतना बड़ा एक जुलूम हमारा अंडमान का बच्चे लोग का ऊपर, अच्छा इतना, मतलब एक आदमी नहीं है इसमें, इसमें बहुत आदमी है जो पुलिस खुलासा करना पड़ेगा। देखिए, ये जो है पुलिस वाला भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, SIT ने जो काम कर रहा है, इसलिए हम लोग वेट कर रहा था SIT क्या खुलासा करेगा करके। अभी हम लोग को मालूम था कि एक जनता, अभी 20 आ गया, उसके बाद कितना आएगा मालूम नहीं है। हम ये आपका चैनल के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को अप्रिशिएट करने मनता कि इतना बड़ा काम और इतना सीनियर आदमी लोग को ये इन लोग पकड़ा। और देखिए ये और होगा, देखिए अब कोई बोलता कि रंगत का कोई है, कोई बोलता कोई SDM है, कोई, मतलब नाम तो आते रहता है, इसका मतलब क्या है? अंडमान का बच्चे लोग के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? नौकरी को ये रख के आप लोग तो एकदम दुष्प्रयोग किया है, और ये हम लोग कंडम करता है, और आगे ये सब नहीं होना, ये नहीं होना होने से फिर हमारे पास एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। ये PRA सिस्टम भी खराब कर दिया इन लोग, म्यूनसिपल भी खराब कर दिया, और इन लोग ये जो प्रदेश काउंसिल था, प्रदेश काउंसिल को वापस लेकर आना पड़ेगा। वो क्यों बंद किया वो मालूम नहीं है, ये क्यों बंद किया वो मालूम नहीं है, लेकिन ये इमिडिएटली उसको ओपन करना चाहिए। ओपन करके पब्लिक को वॉइस, पब्लिक अपना दुखी, आप देखिए क्या बोलो, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोलो, आपको रोड का बोलो, एम्प्लॉयमेंट का बोलो, हम कितना बोले, आप 2-3 साल के अंदर में आप देख रहे हैं ये इतना खराब नहीं हुआ। ये आप, ये आपका माध्यम, हम लोग आगे जाके बहुत इसमें हम लोग बहुत आक्रोश से हम लोग करेंगे। ये सिंपल सा कैंडल मार्च करके हम लोग अपना एक टोकन प्रोटेस्ट कर दिया, और हम लोग वेट कर रहा था एक, हमको मेरा मन में मालूम है कि एक बच्चा नहीं है और ज़्यादा बच्चा रहेगा, इसलिए हम लोग वेट करके ये किया है।